मैं हूँ आपका अपना राजू भाई और आज आपके सामने है यामाहा V3 ब्लू ब्यूटी मॉडिफाइंग दिखाने वाले हैं सर। काफ़ी नीटफुल और काफ़ी ज़बरदस्त वाली, सबसे पहले दिखाऊंगा इसके अंदर कर दी गई है 70 रैपिंग, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से लुक चेकआउट कर लो। 70 होने के बाद ऐसा लगता है कि शायद वाइजर ही इसी कलर का कंपनी से लगा हुआ है उस तरीके का। और उसका दिखाऊंगा 10x वाले मिरर, क्योंकि लुक कुछ इस तरीके देखने मिलती है इसकी, ज़बरदस्त वाली देख सकते हैं। साथ में इसके अंदर इंडिकेटर जलाएंगे तो लाइट भी जलेगी, साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर हैजार्ड, ये देख सकते हैं। जितनी बार मैं ऑन ऑफ करूँगा उतनी बार पैटर्न्स हो जाते हैं इसके चेंज, देख सकते हैं आप दोनों तरफ मिलेगी आपको इस तरीके से कुछ। और इसके बाद आपको देखने मिलेगी इसके अंदर ये है इसकी DRL जो लगा दी गई इसके अंदर, ये मिलते हैं वो ब्लू कलर की, ब्लू बाइक है तो इसलिए इसके अंदर ब्लू लगा दी गई है। बाकी आप चाहो तो कोई भी कलर इसके अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो आपका रेड, चाहे वो येलो, चाहे कोई ग्रीन, चाहे कोई भी कलर, सब कलर इसके अंदर आपके एड ऑन हो जाते हैं। लुक देख लो क्या आती है लगने के बाद। और जरूरी डिज़ाइन आप किसी भी तरीके से डिज़ाइन इसके अंदर बनवा सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। साथ में देखने मिलेगी इसके अंदर विंगलेट, जो कि लुक किस इस तरीके से मिलते हैं, ब्लू बाइक है तो ब्लू के अंदर ब्लू ही मैचिंग लगा दी गई इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त लुकिंग के साथ। और इधर आपको मिलेगी इसके अंदर लगा दी गई मिनी ड्राइव, तो ये आपको देखने मिलेगी कुछ इस तरीके से रोशनी इसकी, ये आपका हो गया इसके अंदर वाइट, ये आपको मिलता है येलो, और ये है येलो वाइट मिनी ड्राइव, ये है आपकी HJG ओरिजिनल। और इसको ऑपरेट करने के लिए लगाया गया एक स्विच, देख सकते हैं ये इसका स्विच है जो कि इसके अंदर लगा दिया गया, आप देख सकते हैं ये भी होता है मेटल वाला। इधर आपको मिलता है मोटो जीनियस का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, जो कुछ इस तरीके से रखता है, इसके अंदर मोबाइल लगाकर इजीली आप कहीं पे भी राइड कर सकते हो GPS ऑन करने के बाद। और इसके अंदर तो देखने मिलेगा ऑयल कंटेनर, जो कुछ इस तरह से लुक आती है इसकी, ऑफ करेंगे तो आपका ये देखिए ये आपका होगा नॉर्मल, और जब चाबी करेंगे ऑन तो इसके अंदर जलेगी लाइट्स, ये इसके अंदर लगा दी गई जस्ट फॉर लुकिंग नॉट फॉर यूज। और इसके बाद साथ में मिलते हैं आपको हैंड ग्रिप, जो कि मिलते हैं आपको सुपर बाइक वाले ब्लैक कलर के अंदर, आपको मिल जाते हैं इसके अंदर हैंड ग्रिप काफ़ी ज़बरदस्त लुकिंग के साथ, देख सकते हो आप ये मिलते हैं आपको दोनों तरफ। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ बॉडी इंडिकेटर, जो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये बॉडी इंडिकेटर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए दोनों तरफ मिलेंगे आपको, लुक देख लो क्या ज़बरदस्त सारी से लगने के बाद। और ये आपकी बॉडी से पूरा प्रॉपर चिपक के फिट हो जाते हैं। इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर क्रैश गार्ड, जिससे पूरी बॉडी होती है प्रोटेक्ट आपकी बाइक की, और आपके खुद के लेग्स भी होते हैं पूरी तरह प्रोटेक्ट, क्योंकि जब भी गाड़ी गिरती है ना तो आपकी बाइक की पूरी बॉडी को और पूरे लेग्स को बचा देती है। और सेम जैसे उस तरफ देखा उस तरह से आप इस तरह देख सकते हैं, ये भी आपको सेम मिलेगा क्रैश गार्ड जैसे आपने इधर देखा। इधर आपको मिलता है टैंक पैड, जो कि आपका टैंक को करता है पूरी तरीके से सेफ। इधर आपको मिलते हैं थाई पैड्स, जिससे ये भी टैंक की साइड की आपकी थाई ग्रिप्स होती है, ये भी आपको सेव कर देता है। इधर देख सकते हैं आप ये इसकी सीट विथ कुशनिंग, जो कुछ इस तरीके से लुक नज़र आ रही है इसकी, और ये है आपकी विथ कुशनिंग वाली, ये आपकी विथ कुशनिंग वाली है सीट, जब बैठते हैं तो कंफर्ट राइड फील होता है इसे लगाने के बाद। और बैक साइड में तो दिखाएंगे आपको टेल टेडी, ये देख सकते हैं ये इसकी टेल टेडी, जो कि लगा दी गई CNC वाली, और ये प्रॉपर फिटमेंट है, कोई जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं, सिंपली इजी टू फिटेड है आपकी, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई। इधर आपको देख मिलते हैं इसके KTM स्टाइल वाले इंडिकेटर, जो कि आपको देख सकते हैं ये होते हैं फ्लेक्सिबल, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर शार्क फिन मर गार्ड, इधर आइए, ये है इसका शार्क फिन मर गार्ड। इसका यूज़ बता देता हूँ क्या होता है, इसका यूज़ होता है आपका ये जो अंदर शॉकर होता है ना, इसके अंदर जितनी भी डस्ट जाके अंदर रुकती है तो उसको रोकने से करता है कंट्रोल, क्योंकि ये लग गया, लगने के बाद आपका पूरा हो गया सेफ, फुल सेफ शॉकर हो गया आपका। और आप देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी लगने के बाद। और ये है आपका ब्लैक कलर, चाहो तो आप इसमें कोई और कलर भी ले सकते हो, हमारे पास ऑल कलर हमारे पास अवेलेबल है इसके शार्क फिन मरगार्ड के। और ये आपका सेगा ओरिजिनल, सेगा ओरिजिनल लोकल नहीं है, सेगा ओरिजिनल, जो कि आपको देखने मिलेगा इस तरीके से, एक छोटी सी चीज़ है, लुक भी नहीं होगी साथ में आपकी सेफ्टी भी पूरी पूरी हो जाती है इससे। और आपको देखने मिलेगा ब्लिंकर, ये इसके ब्लिंकर्स हैं जो कि लगा दिए गए हैं, ये आपको मिलते हैं ब्लू कलर के, जो कि आपको देखने मिलेंगे कुछ इस तरीके से, जब राइड करते हो तो पीछे अगर ब्रेक मारते हो तो पीछे पता है कि आपकी बाइक आगे जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी रोशनी है इसकी, जो कि आप देखने मिल जाएगी इसकी। और इसके बाद यहाँ पर आकर वीडियो हो जाती है कम्प्लीट। अब मिलाऊंगा भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा, तो हेलो सर। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे हैं आप, कैसा काम लगा आपको? बढ़िया भैया, मैं तो देखो जैसे आपसे मेरी बात हुई थी, मैं पहली बार आया था, पहली बार शॉप विजिट करी मैंने, काम में एक नंबर हुआ है, और डिस्काउंट भी बहुत काफ़ी बढ़िया ही दिया है आपने मुझे। और बात यह है कि काम रुकता नहीं है, काम चलता रहता है, बाकी अगर एक काम अगर रुके तो दूसरा काम अपने आप, दूसरा बंदा, स्टाफ की कोई कमी नहीं है, बढ़िया अपना काम, ऑल ओवर सेटिस्फाइड है, और बढ़िया है भैया, एक्सपीरियंस बहुत काफ़ी रहा मेरा, बढ़िया। थैंक यू सो मच। और जी बताइए, कोई आना चाहे ऑल इंडिया से तो क्या रिकमेंड करेंगे भैया? मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि एक बार यहाँ पर आके विजिट करें, अपनी बाइक को लेके आए, एक बार एक्सपीरियंस करें कि क्या सीन है, क्या बंदों के काम करने का नेचर क्या है, बढ़िया है, बाकी ऑल सॉर्टेड है मेरा, ऑल सॉर्टेड था काफ़ी काम। चलो थैंक यू सो मच। अब आपको भी समझ आ चुका हो कि आपको क्या करना है, आपको आना है अपने सीधा राजू भाई के पास, जो कि मिलते हैं दिल्ली के करोल बाग नायवलन के अंदर शॉप। जब भी आप आएँ एक चीज़ का जरूर ध्यान दें, एक हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी आपको मेन रोड पर, जो कि मिलते हैं बड़ी सी,
और उसके बाद आपको दूसरी मिलेगी मेरे शॉप के बोर्ड पर जो कि हनुमान जी की मूर्ति है, राजू भाई की शॉप पर। तो और कोई लोकेशन, सीधा सिंपली लोकेशन है और बिल्कुल उनके जस्ट अपोजिट ही आपको आना है मार्केट के अंदर, मेन रोड पर, मेन रोड पर मेरी शॉप मिल जाएगी आपको राजू भाई की। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि आपके लिए आपका भाई ना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग्स हमेशा लाता रहता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, जब तक जय श्री, गुड बाय।